सोलन बाईपास से अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम को बेरंग लौटना पड़ा। रेडी फेडी वालों ने एकजुटता का परिचय देते हुए कहा कि जब तक उन्हें कहीं बसाया नहीं जाता है तब तक उन्हें यहां से हटाया नहीं जाना चाहिए। गौरतलब है कि सोलन बाईपास पर परमाणु से शिमला तक के फोरलाइन का कार्य प्रगति पर है, जिस वजह से सड़क को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। इसी वजह से सोलन के बाईपास चौक पर चल रहे कार्य के चलते रेडी फेडी वालों को हटाने नगर परिषद की टीम कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंची, पर वहां उन्हें रेडी फेडी वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा और टीम को खाली हाथ बेरंग लौटना पड़ा। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, नगर परिषद ने जो कल महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है वो आपके सामने है। यहाँ अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि उठाएंगे या रखेंगे, बातचीत के लिए बुलाया गया, हम जा रहे हैं। अगर यहाँ से उठाते तो फिर कहाँ जाओगे? यहाँ से उठेंगे तभी सब उठाएंगे, सीधी बात है। हम क्यों जगह देखेंगे सर? हम इनको टैक्स देते हैं, जगह ये देखेंगे? हमारे तो आदेश है सुप्रीम कोर्ट से कि पहले बिठाया जाए फिर उठाया जाए। बोल रहे हैं कि आपने अतिक्रमण किया हुआ, अतिक्रमण तो पूरे आप सोलन में जाओ, आप कहीं भी जाओ, शटर के बाहर सर की दुकानें लगी हैं, उनको भी तो हटाओ। क्यों गरीबों के ऊपर ही अत्याचार करोगे कि आप कम से कम पूंजीपतियों के ऊपर भी कुछ करोगे? जब तक हमारे पास जगह नहीं मिली तब तक हम यहाँ से ही लेंगे नहीं। हमारे पास जगह दो, हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ बैठा दो हमारे को। पहले क्या काम करते थे? यही काम करते थे, 40-45 साल हो गए हमारे को यही काम करते। गवर्नमेंट ने मांगना खो दिया हमारा, वो बुजुर्ग बेचारे चले गए, अब हम क्या करें? लोगों के दरवाजे में जाते हैं, लोग बोलते तुम इतने हट्टे कट्टे क्यों आ रहे हो, कहीं काम करो, है ना? अब कहाँ जाए हमें, इनके बिजनेस हमारी, अब इसको खो रहे फिर क्या खाएंगे हम, दाल रोटी कैसे खाएंगे? उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।